स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट और बीएससी स्टूडेंट। स्टूडेंट अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेम या आईएएस ऑप्शनल या और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे आई टिप पे जाके मेरी पुरानी प्लेलिस्ट सभी देख सकते हैं। और ये जो टॉपिक है जहां पर मैंने आपको अभी लेके आने वाला हूं, दैट इज टेलर सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। स्टूडेंट टेलर सीरीज और मैकलॉरिन सीरीज फॉर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। प्लस ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल या ये जो टॉपिक्स है उसके कनेक्टेड कनेक्शन में ये टॉपिक आता है, तो वो भी आप यहाँ पे आई टिप पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट देखिए यहां पे अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और कमेंट करते रहिए स्टूडेंट। सो देखिए यहां पे द टेलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, इसका स्टेटमेंट ये समझिए। इफ फंक्शन एफ एक्स वाई एंड ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव अप टू nth ऑर्डर आर फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस फॉर ऑल पॉइंट एक्स वाई। स्टूडेंट यहां पे चूंकि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है तो ऑब्वियसली यहां पार्शियल डेरिवेटिव होगा और पार्शियल डेरिवेटिव सभी यहां पे फाइनाइट और एग्जिस्ट करने चाहिए और कंटिन्यूअस होने चाहिए, तो उस वाले केस में यहां पे एफ ए प्लस एच कॉमा वाई प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए बी एच डेल बाय डेल एक्स प्लस के डेल बाय डेल वाई एफ ए बी प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल एच डेल बाय डेल एक्स प्लस के डेल बाय डेल वाई का होल स्क्वायर एफ ए बी प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल एच डेल बाय डेल एक्स प्लस के डेल बाय डेल वाई का क्यूब एफ ए बी। इस तरह से इसको हम यहाँ पे एक्सपांड करते हैं। अब इसका एक फॉर्म और है जो नॉर्मली हम क्वेश्चन में यहाँ यूज करने वाले, वो यही यूज करने वाले, अल्टीमेटली ये इसी से ही निकलता है स्टूडेंट्स का पूरा डेरिवेशन होता है, पर मैं आपको बताऊंगा कि उस डेरिवेशन में अपने जाने की जरूरत नहीं, हम सीधा इसको स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए बी एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई एफ ए बी प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई का होल स्क्वायर एफ ए बी। इसी तरह से यहाँ पे अगली टर्म और आती है 1 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए डेल बाय डेल एक्स प्लस वाई माइनस बी डेल बाय डेल वाई का क्यूब एफ ए बी, चलता रहता है ऐसा है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ ए बी सॉरी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए बी प्लस, मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको, ये आएगा देखो x माइनस ए, इसको लिखेंगे हम एफ एक्स प्लस ये आएगा y माइनस बी एफ वाई। भैया कुछ नहीं कर रहा, ये एफ है ये अंदर जाएगा तो डेल एफ बाई डेल एक्स हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल वाई हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स को हम एफ एक्स लिखते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई को हम एफ आई लिखते हैं, ठीक है। प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल है ना, तो टू वैल्यू आती है इसकी। नाउ अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये समझने की जरूरत है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये भी इसका स्क्वायर होगा और ये f अंदर आएगा, तो डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं हम एफ एक्स एक्स प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर भी आएगा, तो ये लिखेंगे, चलो एक काम करो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ टू, एक्चुअली ये टर्म यहाँ दिक्कत करेगी तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस 1 बाई 2 एफ यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस ये आएगा टू ए बी दैट इज एक्स माइनस ए वाई माइनस बी इन टू क्या आएगा डेल टू एक्स डेल टू डेल एक्स डेल वाई आएगा, तो और एफ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एफ एक्स वाई हो जाएगा, देन यहाँ आएगा एक्स और सॉरी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ वाई वाई आएगा, राइट। इसी टाइप से इसकी अगली टर्म की बात करें तो 1 बाई 3 फैक्टर लाएगा तो 1 बाई 6 हो जाएगा, है ना। फिर देखो यहाँ पे क्यूब आएगा इसका क्यूब, राइट। तो हम जानते हैं a प्लस बी का क्यूब का जो फार्मूला होता है वो थोड़ा सा याद रख लीजिए, क्या होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो वही यहाँ लगने वाला है, तो इसका क्यूब करेंगे हम। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आप एक्स माइनस ए का क्यूब और इसका भी ये एफ अंदर जाएगा, इसका भी क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स एक्स प्लस यहाँ आएगा 3 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी, तो ये आएगा एफ एक्स एक्स वाई प्लस ये आएगा 3 एक्स माइनस ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर एफ एक्स वाई वाई प्लस अगला यहाँ आएगा वाई माइनस बी का क्यूब एफ वाई वाई वाई, मतलब जो यहाँ आ रहा है टर्म, जैसे वाई की वाई क्यूब आ रहा है तो 3 बार वाई आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई आ रहा है तो एक्स एक्स वाई आ जाएगा ना। तो इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको यहाँ पे टेलर सीरीज पूछा जाता है तो कोई पॉइंट पूछेगा कि इस पॉइंट पर आप इस सीरीज का एक्सपांशन करिए, तो ए और बी की जगह वो पॉइंट रख देना। अगर आपको कोई पॉइंट ना बोले
ओके, तो उस वाले केस में पॉइंट की जगह हम 0-0 रखेंगे और उसको बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज इन टू वेरिएबल, है ना। मतलब टेलर सीरीज का स्पेशल केस होता है कि पॉइंट वहां पे 0-0 रख दे, या अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि एक्सपांड दिस सीरीज है ना एट पॉइंट एक्स कोमा वाई, तो उस वाले केस में पॉइंट जो है वो क्या रखेंगे हम 0-0 रखेंगे ना, मतलब वो मैक्लॉरिन सीरीज इन टू वेरिएबल होगी। सो इट इज डिडक्शन ऑफ टेलर सीरीज ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, है ना। तो क्या करेंगे अगर हमें ये बोला जाए तो उस वाले केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे जब कोई पॉइंट नहीं दे रखा है तो ए की जगह 0 और बी की जगह 0 रख देने का, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा आ जाएगा। एफ क्या आएगा यहाँ पे, एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, अब चूंकि 0-0 पे आएगा तो ये 0,0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा एक्स, और चूंकि ए और बी 0 हो जाएगा तो एक्स एफ एक्स हो जाएगा प्लस वाई एफ वाई प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0-0 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2, ये आएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस 2xy एफ एक्स वाई प्लस यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, है ना। इस तरह से ये टर्म चलती रहेगी। तो ये हमारा दिस इज द डिडक्शन बाय द टेलर सीरीज और इसको बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज इन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, राइट। पर अल्टीमेटली एक ही चीज़ है, आपको अगर नॉर्मल इक्वेशन तो पूछा जाएगा टेलर सीरीज पे, पॉइंट बोले तो ये करना है, कोई नहीं बोले तो ये करना है, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उससे आपको क्लियर होगा। स्टूडेंट मैं यहाँ पे दो वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, अभी मैं बताऊंगा जिसके अंदर ओरिजिन मतलब 0-0 पे अपन सीरीज को एक्सपांड करेंगे टेलर सीरीज को, फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे एक्सपांड करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक्सपांड ई की पावर एक्स साइन वाई, आपको इसको एक्सपांड करना, देखो टू वेरिएबल है ना, इन पावर ऑफ एक्स वाई एज फॉर एज द टर्म्स ऑफ थर्ड डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं दे रखा, आपसे बोला कि एक्स वाई पे इसको करिए, है ना। तो उस वाले केस में यहाँ 0-0 रखेंगे हम, है ना, जो मैंने मैक्लॉरिन सीरीज वाला कंसेप्ट बताया उसी बेस में क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे हम, जानते हैं सीरीज का स्टेटमेंट क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू एफ 0-0, है ना, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1/2 फैक्टोरियल, ओके, देन ये आएगा x डेल बाय डेल x, या इसको लिख दो ऐसे लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस 1/1 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा ये, है ना, 1/2 फैक्टोरियल तो 2 आएगा, यहाँ पे ये आएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स देन 2xy xy प्लस एफ वाई 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 स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पे आपके पास, चलो मैं प्लस वाला टर्म यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 1/3 फैक्टोरियल तो 6 हो जाएगा ये, एक्स क्यूब एफ एक्स एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई एफ एक्स वाई, अरे यार क्यूब है तो एक्स एक्स एक्स, एक्स स्क्वायर वाई तो एक्स एक्स वाई, राइट, ऐसे याद रखिए आप, 3x वाई स्क्वायर तो एफ एक्स वाई वाई प्लस वाई क्यूब एफ वाई वाई, है ना, इस तरह से चलता रहेगा, राइट। तो ये चलता रहेगा, अब आपको इन सब की वैल्यू चाहिए एट ओरिजिन, राइट। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, फिर ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, ओके। सो हमारे पास जो एफ एक्स वाई दे रखा है वो कितना दे रखा है, ई की पावर एक्स साइन वाई। तो अपन एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले एफ एक्स निकाल देता हूँ, तो ई की पावर एक्स साइन वाई आएगा, फिर हम क्या करते हैं एफ एक्स एक्स निकाल देता हूँ, कितना आएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई आएगा, है ना। फिर हम क्या करते हैं एक बार ट्रिपल एक्स निकाल देते हैं, तो ये भी e की पावर x साइन y आएगा, क्योंकि इन सब की वैल्यू चाहिए अपने को, राइट। फिर हम मैंने यहाँ पे f y निकालते हैं, इसका y का रस्म करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, e की पावर x cos y हो जाएगा, देन f y y कितना आएगा, ये cos का होगा वापस माइनस का साइन y, राइट। देन हम करेंगे f y y y, है ना, कितना आएगा माइनस e की पावर x cos y। अब देखो यहाँ पे एक तो चाहिए अपने को एक्स वाई चाहिए, तो मतलब पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में, मतलब y के रेस्पेक्ट में ये कर रखा है, इसको x के रस्म करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा f एक्स वाई, इसको एक्स के रस्म करेंगे तो ई की पावर एक्स कॉस वाई आने वाला है, ठीक है ना। फिर एक अपने को चाहिए यहाँ पे एक्स 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 वाई, तो पहले वाई के रस्म करना है फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करना, वाई के रस्म किया एक्स के रस्म किया अब एक्स के रस्म करना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे ये एक्स एक्स वाई। स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ इसका मतलब होता है डेल क्यूब एफ डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, तो पहले वाई के रस्म करेंगे फिर एक्स के रस्म करेंगे फिर एक्स के रस्म करेंगे, ऐसा होता है ना, ध्यान देने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इसको एक बार x के रस्म करेंगे तो e की पावर x cos y आने वाला है, है ना। एक अपने को चाहिए y y x, तो y y ही रह गया, है ना, इसको वापस x के रस्म करेंगे तो ये आएगा x y y, राइट। तो इसका e की पावर x के रस्म करेंगे तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होने वाला है, राइट। अब देखो एट 0-0, है ना, अब इन सब पे 0-0 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 8 0,0 क्योंकि हमें पॉइंट दे नहीं रखा तो 0-0 पे निकालेंगे, तो एफ एक्स यहाँ 0-0 रखेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, देन एफ एक्स एक्स स्टूडेंट यहाँ भी हम 0 रखेंगे तो साइन 0-0 होता है, मतलब ही नहीं है। फिर हम एफ ट्रिपल एक्स यहाँ भी साइन 0 क्या होता है 0 होता है, मतलब ही नहीं है, है ना। देन एफ वाई स्टूडेंट वाई
यहाँ cos 01 होता है, e की पावर 01 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, राइट। देन f y y, यहाँ e की पावर 01 होता है, sin 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। देन f ट्रिपल y, तो cos 01 होता है, e की पावर 0 भी 1 होता है, तो माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन f x y, स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई में इसकी जगह 0, इसकी जगह 0 थी, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 होता है, cos 0 भी 1 होता है, ठीक है ना। देन f x x y, स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, e की पावर 01 होता है, cos 01 होता है, ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन f x y y, स्टूडेंट साइन 0 होता है, e की पावर 0 होता है, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। स्टूडेंट ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, है ना, तो क्या आएगा, देखो अपना आंसर f x y की जगह हम रखेंगे e की पावर x साइन y, f 0 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये भी निकाल ही लेते हैं, है ना। तो f 0 तो f 0 है ना, कितना आएगा देखो यहाँ पे, इसकी वैल्यू आएगी 0, राइट। तो 0 आ रहा है, कोई मतलब नहीं, 0 लिख दीजिए आप इसको, है ना। प्लस 1/1 फैक्टोरियल, तो 1 ही आएगा। x fx, fx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। प्लस y fy, fy की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये रह गया fy, fy 1 है ना, तो 1 रखेंगे यहाँ पे, इंटू ये 1 आएगा, इंटू कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2 आएगा, ओके। देन x स्क्वायर fxx, fxx कितना है स्टूडेंट, 0 है, देखो fxx 0 है, राइट। देन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 2xy, है ना, xy, fxy, तो fxy, fxy की वैल्यू ये रहेगी, fxy की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये 1 आ जाएगा, ओके। प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास y स्क्वायर fyy, स्टूडेंट fyy की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, रहने दो इसको, ठीक है, है ना। प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 1/6। देन एक्स क्यूब ट्रिपल एक्स, तो एक्स क्यूब ट्रिपल एक्स, ट्रिपल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। प्लस एफ एक्स एक्स वाई, एफ एक्स एक्स वाई, ये रहेगा एक्स एक्स वाई, है ना, इसकी वैल्यू कितनी, 1, तो ये 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा 3x²y.1, ओके। प्लस यहाँ पे एक्स डबल वाई, तो एक्स डबल वाई, एक्स डबल वाई की वैल्यू 0 है, तो स्टूडेंट ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा हमारे पास। प्लस वाई क्यूब ट्रिपल वाई, है ना, ट्रिपल वाई कितना है यहाँ पे देखो, ये ट्रिपल वाई, ट्रिपल वाई की वैल्यू -1 आ रही है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा, राइट। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या वैल्यू आएगी, देखो ये ई पी की पावर एक्स साइन वाई इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास वाई, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपके पास एक्स वाई, है ना, वो तो 0 हो गया। देन यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये प्लस 3x²y/6 का वाई क्यूब, सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, तो ये आएगा वाई एक्स वाई प्लस, ये कैंसिल करेंगे तो x²y/2 - y³, इस तरह से ये हमारे पास सीरीज चलती रहेगी, तो ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो माइनस का वाई क्यूब है, तो ये 6 डिवाइड होगा यहाँ पे, है ना, तो ये डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे, 6 आएगा, क्लियर है, तो इस तरह से करेंगे इसको। सो स्टूडेंट देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर, एक्सपांड ई की पावर एक्स लॉग 1+y इन द टेलर सीरीज अराउंड ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ सेकंड डिग्री, है ना, तो आपको अप टू सेकंड डिग्री इसको एक्सपांड करना है, और ओरिजिन बोला है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया है वही लगाने वाले हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए आप, क्या होगा यहाँ पे, 800 प्लस यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस यहाँ पे आएगा 1/2 फैक्टोरियल, तो 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2 एक्स वाई एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, राइट। इस तरह से ये चलता रहेगा, आपको यहाँ 2 डिग्री तक करना, तो यहीं तक कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन सब की वैल्यू निकालेंगे, ओके। सो हमारे पास जो f दे रखा है, एफ एक्स वाई दे रखा है, वो कितना दे रखा है, e की पावर एक्स log 1+y दे रखा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका एफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही रहेगा, है ना, डिफरेंशिएशन, क्योंकि y को कांस्टेंट लेंगे हम, ओके। नाउ एफ एक्स एक्स, तो स्टूडेंट ये v वो कब ही रहने वाला है, log 1+y। नाउ अब हम क्या करेंगे, एफ वाई का निकालेंगे, तो e की पावर x, है ना, ये तो ऐसे ही log क्या होगा, 1/y, तो 1+y हो जाएगा, है ना, 1/1+y, ओके। देन हम एफ वाई वाई निकालेंगे हम, तो स्टूडेंट 1/y का कितना होता है, माइनस का 1/y², तो ये आएगा 1+y का होल स्क्वायर माइनस आ गया जाएगा, राइट। अब अपने को यहाँ पे चाहिए एफ एक्स वाई, है ना, तो पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में, है ना, तो ये एफ एक्स वाई चाहिए, मतलब पहले y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में फिर x के रेस्पेक्ट में, तो ये करेंगे, y के रेस्पेक्ट में कर रखा है, अब इसी को x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, e की पावर x 1+y, है ना, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अब देखिए आप एट 0, 0, तो 0, 0 पे तो ये एफ 0 रखेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 रखेंगे, e की पावर 0 होता है, और यहाँ 0, तो log 1 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। देन
यहाँ पे देखिए आप एफ एक्स एट जीरो जीरो है ना, एट जीरो जीरो यहाँ पे क्या होगा, ई की पावर जीरो वन लॉग जीरो, लॉग वन हो जाएगा तो भी जीरो हो जाएगा, देन एफ एक्स एक्स क्या होगा यहाँ पे, ई की पावर जीरो ये भी लॉग वन भी जीरो हो जाएगा, देन एफ वाई एट जीरो कोमा जीरो तो ई की पावर जीरो वन और यहाँ जीरो रखेंगे तो वन आ जाएगा है ना, देन एफ वाई वाई स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे ई की पावर जीरो रखेंगे और यहाँ जीरो रखेंगे तो माइनस वन आएगा है ना, क्योंकि माइनस बच जाएगा ना वन और वन का स्क्वायर, ओके, देन एफ एक्स वाई एट जीरो कोमा जीरो तो जीरो रखेंगे और यहाँ जीरो रखेंगे तो ये वन हो जाएगा स्टूडेंट, ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए है ना, तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे एफ 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 एक्स वाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ई की पावर एक्स लॉग वन प्लस वाई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू तो जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा है ना, देन एक्स एफ एक्स स्टूडेंट एफ एक्स की वैल्यू हमें कितनी देर की जीरो तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा है ना, प्लस एफ वाई वाई एफ वाई एफ वाई की वैल्यू कितनी स्टूडेंट वन है ना तो ये आ जाएगा वाई, ओके वाई इंटू वन राइट इंटू वन लिख लीजिए ठीक है, प्लस वन बाई टू नाउ एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे एफ एक्स एक्स स्टूडेंट एफ एक्स एक्स की वैल्यू भी कितनी है जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ जीरो क्योंकि इसकी वैल्यू भी जीरो है ना, देन प्लस टू एक्स वाई एफ एक्स वाई तो देखो एफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है वन एट जीरो कोमा जीरो तो स्टूडेंट वन आ जाएगा यहाँ पे, प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई स्टूडेंट एफ वाई वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस वन है तो इंटू माइनस वन रख दीजिए आप, इस तरह से चलता रहेगा ओके, देन ई की पावर एक्स लॉग वन प्लस वाई इज इक्वल टू ये आएगा वाई प्लस यहाँ आएगा वन बाई टू ये आएगा आपके पास टू एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, चाहो तो आप इसको क्या करो टू को मल्टीप्लाई कर दो ये एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर बाई टू, इस तरीके से ये इसका क्या होगा एक्सपेंशन होगा ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको एक्सपांड करेंगे तो एक बार आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट मुझे लगता है टॉपिक आपको समझ में आया होगा जिसमें टेलर सीरीज ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे 0,0 पे बताया, मतलब जब भी आपको टेलर सीरीज एक्सपांशन बोले और एट अराउंड ओरिजिन बोले या कुछ ना बोले मतलब 0,0 पे आपको इसको एक्सपांड करना है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर हम पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसे एक्सपांड करेंगे, आपसे बोलेगा कि एक्सपांड दिस एट 1,1 या 1,2 या 1,-1 या जो भी बोले उस पॉइंट पर एक्सपांड करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट मतलब फार्मूला वो ही लगता है जो अभी लगा है, थोड़ा चेंज होगा उसके अंदर तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आपके एग्जाम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे, सो बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू सो मच, और लाइक करिए शेयर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, हम आपके लिए काम करते रहेंगे। मैंने बोला है आपका जो कमेंट होता है आपका जो लाइक करना होता है वो हमारे एज ए फ्यूल की तरह काम करता है, सो करते रहिए, मैं भी आपके साथ लगा रहूँगा और करता रहूँगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।